सब्सक्राइब करें केवीपीए कुकिंग जोन को और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, केवीपीए कुकिंग जोन में आप सभी का स्वागत है। गर्मी का मौसम है और बाजार में आम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज मैं आम से बनने वाली एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बताने जा रही हूँ, मैंगो कस्टर्ड, जो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए जानते हैं इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। मैंगो प्यूरी, एक मीडियम साइज की आम, दो आलू बुखारे बारीक कटे हुए, दो चम्मच कस्टर्ड, मैंने ये वैनिला फ्लेवर का लिया है, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, चीनी 4 चम्मच, अमूल क्रीम, गार्निश के लिए 5-6 पिस्ता बारीक कटे हुए, 1 गिलास दूध। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में अपने दूध को गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें से 2-3 चम्मच दूध बचा लेंगे कस्टर्ड बोलने के लिए। अब इस दूध को चलाते हुए 2-3 उबाल देंगे। दूध को चलाते हुए उबालना है, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा। अब हमारे दूध को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और दूध भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब अपनी गैस को स्लो मीडियम कर देंगे। अब अपने कस्टर्ड पाउडर में ठंडा दूध डाल करके इसे स्मूथ घोल लेंगे जिससे इसमें एक भी लम्स ना रहे। अब हमारा कस्टर्ड घोल करके बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसे दूध में धीरे धीरे एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे। यदि हमने इसे नहीं चलाया तो इसमें गांठें पड़ जाएंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पकाना है या जब तक हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। अब हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें हम अपनी चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और इसे चीनी घुलने तक पकाएंगे। अब इसे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये कस्टर्ड अगर गाढ़ा हो गया तो खराब हो जाएगा, ठंडा होने के बाद भी ये और गाढ़ा होगा। अब अपनी गैस को बंद कर इसे नीचे उतार लेंगे और चलाते हुए ठंडा करेंगे। चलाते हुए इसे ठंडा करते रहेंगे ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, इसमें अपना आम का पल्प मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा आम का पल्प भी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है। अब इसमें 2 चम्मच क्रीम डाल देंगे। क्रीम आप चाहे तो डालें और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें अपने कटे हुए आम, थोड़े से आलू बुखारे बारीक कटे हुए, इन्हें डालकर भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहे फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे अनार है, कीवी है, और भी आप जो चाहे डाल सकते हैं और जो छोड़ना चाहे उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा मैंगो कस्टर्ड बिल्कुल बनकर के तैयार है, बहुत ही क्रीमी मैंगो कस्टर्ड बनाए। आइए इसे सर्व करते हैं। अब मैंने मैंगो कस्टर्ड को सर्व कर दिया है, इसे मैंगो के पीस से गार्निश करेंगे। थोड़े से कटे हुए पिस्ता, हमारा मैंगो कस्टर्ड बनकर के बिल्कुल
तैयार है। इसे आप 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल करके ठंडा करें और ठंडा ठंडा ही इसका आनंद लें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।